देखो प्रोसीडर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसका मोड्स क्या है, क्या तरीका है, किस तरीके से ये मतलब रेप्लिकेट करता है हमारा डीएनए। तो मोड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, तो ये कहता है कि हमारा जो डीएनए का मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। हमारी जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसे क्या बोलेंगे, मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव टाइप। सेमी कंजर्वेटिव टाइप का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे, देखो मैंने अभी बताया कि हमारे डीएनए के दो स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, 5-3-3-5, ठीक है, तो इसमें एक स्टैंड जो टेम्पलेट स्टैंड होता है, ओल्ड ये वाला स्टैंड, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्टैंड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, टेम्पलेट स्टैंड्स, ठीक है। तो कहता है कि इस ओल्ड से हम क्या बनाते हैं, न्यू बनाते हैं, न्यू स्टैंड बनाते हैं ना, ओल्ड से हम क्या बना रहे हैं भाई, न्यू स्टैंड बना रहे हैं, इधर ये भी ओल्ड है इससे हम क्या बना रहे हैं, न्यू स्टैंड बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक ओल्ड है और एक क्या है, न्यू है, इसमें भी एक ओल्ड है और एक क्या है, न्यू है, मतलब जो ओल्ड है वो क्या हो गया, इसका पेरेंट्स हो गया, क्या हो गया, पेरेंट्स, और ये जो न्यू है ये क्या हो गया, इसका बेबी हो गया। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है या अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाता है तो उसमें हाफ तो 50% तो क्या, और कौन सा होता है भाई, ओल्ड होता है या पेरेंट्स कंपोनेंट होता है पार्टनरशिप में, ठीक है, और जो 50% क्या बनता है, न्यू बनता है, क्योंकि आधा पूरा का पूरा डीएनए स्टैंड है वो पूरा का पूरा कंजर्व नहीं होता है, आधा कंजर्व होता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी जो कॉपी बन गई, इसकी इस स्टैंडर्ड्स की ये कॉपी बन गई और इस स्टैंड्स की ये कॉपी बन गई, तो इसमें हाफ क्या है ओल्ड स्टैंडर्ड्स और हाफ क्या है न्यू स्टैंडर्ड, मतलब 50-50% का कंपोनेंट या पार्टनरशिप में होते हैं, इसलिए हमारे डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप है। जैसे ये स्टैंड्स हो गया हमारे पास, डबल स्टैंडर्ड था ना डीएनए का, तो ये तो पहले पुराने ओरिजिनल स्टैंड्स थे हमारे, मान लो इससे ये बन गया न्यू स्टैंड और इस वाले से ये बन गया, तो ये तो दोनों क्या हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, ये पेरेंट्स थे और ये क्या बने, हमारे न्यू बने हैं दो, ठीक है। तो दोनों का हम बात करें, दोनों डबल स्टैंडर्ड हैं, कम्प्लीमेंट्री का मतलब कम्प्लीमेंट्री है, मतलब सेमी कंजर्वेटिव, कम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है यदि हमारे डीएनए के ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि हमें पता है डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का, कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है। तो मान लो इधर इस स्टैंडर्ड्स पे ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है, तो इस स्टैंड पे अपने आप हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है ए के अपोजिट में क्या आता है टी, और जी के अपोजिट में क्या आता है सी, ठीक है, सी के अपोजिट में जी और ए के टी के अपोजिट में ए, ठीक है, और ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि कंप्लीमेंट्री का मतलब यदि एक स्टैंड्स के हमें न्यूक्लियोटाइड्स पता है तो दूसरे के हमें अपने आप पता चल जाता है, क्योंकि हमें एक रूल्स है, चार गप्स रूल्स बोलते हैं कि हमेशा ए के अपोजिट में क्या आएगा टी और जी के अपोजिट में क्या आएगा सी। यहाँ पे ए क्या है एडेनिन है और टी क्या है यहाँ पे थायमिन है, ठीक है, और जी क्या है यहाँ पे जी क्या है गुआनिन है एंड सी क्या है साइटोसिन है, ठीक है, साइटोसिन। तो इस ऐसे करके चार न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए पे, एक एक स्टैंडर्ड्स के न्यूक्लियोटाइड्स यदि बने हुए हैं तो दूसरे के अपोजिट में अपने आप ही आके जुड़ते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो डीएनए रेप्लिकेशन है, मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप है। समझ में आया फिर सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है कि भाई प्रोसीडर, प्रोसीडर कि हमारी जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसे होती है, ठीक है, कौन कौन से स्टेप में होती है। प्रोसीडर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, फॉर डीएनए रेप्लिकेशन ठीक है, तो
वैसे हमारी जो डीएनए रेप्लिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कुछ फैक्टर्स की, आयंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कौन कौन से स्टेप होंगे, स्टेप वाइज चलेगी, तो वो हम देखते हैं। पहला जो स्टेप है वो है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। पहला स्टेप क्या है, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। एंड थर्ड जो स्टेप है हमारा वो है